हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके के अंदर हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितने भी ट्रिक्स वगैरह होती हैं हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज अपन जो सोयल साइंस की बात कर रहे थे उसी के अंतर्गत एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि आप लोगों को शॉर्ट के अंदर उसको कैसे समझा जा सकता है, अपन ज्यादा टाइम के लिए कैसे याद उसको रख सकते हैं। तो जो अपना टॉपिक है वो आज का है प्लांट न्यूट्रिएंट। जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर जिसे मैं बोलूं पौधों के लिए पोषक तत्व है, उनके अपन आज बात करने वाले हैं। तो जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है उनकी जो स्टार्ट में डिस्कवरी की थी या इनकी खोज की थी जो आर्नोन ने स्टॉक ने की थी या इन्होंने बताया था प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में अंदर। जैसे कि मैं बता दूं कि आर्नोन और स्टाउट ने क्या किया कि इन्होंने जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में बताया। कब? 1939 के अंदर। अब मैं सबसे जो मेजर बात है अपनी जो मुख्य बात है वो पहले मैं बता देता हूं आपकी जो ट्रिक वाली बात है। अपने पास में आते हैं मुख्यतः दो ही पोषक तत्व। कौन कौन से? अगर मैं बात करूं पहले तो उसके अंदर मैक्रो अगर मैं बात करूं सेकेंड नंबर पे माइक्रो अपन मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स कैसे बोलेंगे पहले तो ये चीज बताओ मुझे। मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिसके अंतर्गत अपने को 1 ppm से ज्यादा की पोषक तत्वों की जरूरत होती है प्लांट्स को, तो उनको तो बोला जाता है जो मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो, और अगर 1 ppm से कम की जरूरत होती है उसे बोला जाता है माइक्रो। अगर मैं मैक्रो की बात करूं, मैक्रो के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगा CHO, जैसे कि अपन CHO हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं प्राथमिक पोषक तत्व जैसे कि NPK, अगर मैं द्वितीय पोषक तत्व की बात करूं तो आपके CAMGS। तो ये क्या होते हैं कि इनकी जो होती है जो 1 ppm से ज्यादा की जरूरत होती है प्लांट को क्या होगा 1 ppm से ज्यादा की जरूरत होगी। जैसे कि CHO हो गया कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अगर मैं बात करूं उसके अलावा NPK की नाइट्रोजन फास्फोरस और आपका पोटेशियम, अगर उसके बाद बात करूं मैं द्वितीय पोषक तत्व जिसे कि गौण पोषक तत्व भी बोला जाता है तो वो जाएगा CAMGS। और अब मैं बात करूं जो माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं वो, तो जो आपके ये हैं ये आपके मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं ये कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, तो वो आपको 9 दिखेंगे। कितने? 9। अगर मैं बात करूं माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स तो वो आप लोगों के सामने दिखेंगे 8। तो ये तो काफी याद ही रहते हैं क्योंकि CHO तो जो उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर होती है उनके अंतर्गत काम आई जाता है। NPK कितना मुख्य होता है वो आप लोगों को प्राथमिक पोषक तत्व बोला जाता है वो आप लोगों को पता ही है, और द्वितीय पोषक तत्व आपका CAMGS हो गया। अगर मैं बात करूं माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स तो माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स आपके कितने होंगे? 8 होंगे। तो एक बार मैं इनको लिख देता हूं जिससे कि फिर आप आसानी से कैसे याद कर सकते हो, तो उस चीज की भी अपन बात करेंगे। तो पहले मैं लिख देता हूं एक बार, तो इसके अंदर जो पहला नंबर में आता है जैसे Fe हो गया जिसे कि आयरन बोलते हैं। मैं बात करूं कॉपर तो कॉपर भी आपका माइक्रो के अंतर्गत ही आता है। अगर मैं बात करूं मैग्नीज की अगर मैं बात करूं मोलिपिंडम के साथ साथ के अंदर आपको जिंक बोरोन निकिल इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं क्लोरीन, तो ये आपके क्या हो जाएंगे आपके माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो आप लोगों के सामने 9 तो हो ही गए, 3, 6, 3, 9, और अगर मैं बात करूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 आपके माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप लोगों को दिख रहे होंगे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, आपका मोलिब्डेनम हो गया, जिंक हो गया, बोरोन हो गया, निकल हो गया और आपका क्लोरीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब ये तो आसानी से याद हो जाते हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो 8 के अंदर कई कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा था कौन सा नहीं था, तो उसकी अपन आसान से ट्रिक देखेंगे जिसके अंतर्गत कि अपन इनको कैसे याद रख सकते हैं।
तो इसके अंदर एक शानदार सी ट्रिक है, जो आपकी ट्रिक है वो है फेकू मनमोहन जाबे निकल। तो अब ये तो दो तीन बार बोलोगे आपकी फेकू मनमोहन जाबे निकल तो उससे आप लोगों को याद हो जाएगा, या एक दो बार वीडियो देखोगे तो उससे भी आप लोगों को याद हो जाएगा। तो अब इनको कोरिलेट करना है, वो कैसे फेकू, अगर आप फेकू को अगर हिंदी के अंदर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इंग्लिश के अंदर जैसे फेकू, तो फेकू आ गया ना आपका, तो एफ से तो आयरन आ गया, सी यू से आपका कॉपर आ जाएगा। मनमोहन, मन को कैसे लिखते हो, एम एन, अगर मोहन की बात करूं तो क्या होगा आपका एमओ, मोहन से एमओ निकल के आ जाएगा। जा से जाने से आएगा तो जिंक आ जाएगा आपका, जैसे जेड आप कोरिलेट कर सकते हो, बे से आप बी कोरिलेट कीजिएगा। अगर निकल की बात करूं तो निकलने को नी को कैसे लिखते हैं अपन एन आई, और कल को कैसे लिखते हैं सी एल। तो इनसे भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि फेफू से आपका आ रहा है आयरन आ गया, कॉपर आ गया, मैंगनीज आ गया, मोलिब्डेनम आ गया, आपका जिंक आ गया, बोरोन आ गया, निकल आ गया, इसके साथ साथ क्लोरीन आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप आसानी से, आप इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद रख सकते हो। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी हिस्ट्री की, जो प्लांट न्यूट्रिएंट को लेकर है, तो उनकी मैं बात कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि उनसे भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसकी हिस्ट्री को लेकर मैं एक बार बात कर लेता हूं कि जो आपके जो असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स है वो कितने हैं। असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो वो कितने होते हैं, 17। पहले 16 थे, फिर 17वां जो आपका प्लांट न्यूट्रिएंट जुड़ा था वो था आपका निकिल। और निकिल की खोज किसने की थी, वो आपकी की थी ब्राउन ने 1982 के अंतर्गत आपके इसकी खोज हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 17वां पोषक तत्व था वो कौन सा था, जो निकिल। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और कई बार पूछ लिया जाता है कि जो 17वां पोषक तत्व था वो कौन सा था, निकिल, और इसकी खोज की थी वो ब्राउन ने की थी, और 1982 के अंतर्गत इसने की थी। ये तो क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ऑब्वियसली बात है सभी को पता है। अगर मैं बात करूं 16वें पोषक तत्व की, जो 16वें नंबर का पोषक तत्व है वो कौन सा है, तो बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज तक पढ़ा है हमने, कई गाइड वगैरह देखे हैं या अपन पेपर वगैरह भी देखे होंगे, तो 17वां ही देखा है, तो 16वें के बारे में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं 16वें की भी बात कर लेता हूँ। जो 16वां नंबर का था जो पोषक तत्व, तो उसका जो था वो मोलिब्डेनम, जो आपका 16वें नंबर का था मोलिब्डेनम, जिसकी खोज किसने की थी, जो आपके आर्नोन और स्टाउट है इन्होंने ही किसकी खोज की थी, मोलिब्डेनम की। तो आई होप कि ये भी आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि ये कई बार पूछ लिया जाता है कि 16वां पोषक तत्व तो कौन सा था, 17वां तो सभी को पता रहता है लेकिन 16वां भी पता होना चाहिए। तो जैसे ही आर्नोन और स्टाउट ने 1939 के अंतर्गत इन्होंने बताया प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में, फिर उसके बाद में आपके जो आर्नोन थे इन्होंने रिडिफाइन किया, किनको, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है इनको लेकर, तो उन्होंने रिडिफाइन किया। रिडिफाइन के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा कि उन्होंने बताया कि जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, तो उनके बगैर जो प्लांट है आपके वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता। अगर किसी भी एक एलिमेंट की कमी आ जाती है तो उसको, उसके बगैर वो प्लांट है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा साथ साथ ही मैं बता दूं, जितने भी प्लांट्स वगैरह को अपने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है तो उसकी जगह आप रिप्लेस नहीं कर सकते, कि उसकी जगह कोई दूसरा न्यूट्रिएंट अपन अप्लाई नहीं कर सकते, इनके लिए भी उसने बताया। और जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डायरेक्टली जो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जिसे कि उपापचय क्रियाएं बोलते हैं, तो उसके अंदर डायरेक्टली ये भाग लेते हैं, इनडायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेते, वो डायरेक्टली ही भाग लेते हैं। तो इन चीजों के बारे में, तीनों चीजों के बारे में आपके जो आर्नोन थे उन्होंने 1954 के अंतर्गत इनको डिफाइन किया, रिडिफाइन किया कि ये इनकी असेंशियल या फिर ये इनके पैरामीटर्स हैं, इनके ऊपर होने जरूरी है। अगर मैं बात करूं इसके बाद में, आप क्या आते हैं फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी सुना होगा आप लोगों ने।
जो आपके फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स चार। तो काफी बार सुन भी लिया होगा कि फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं और कितने होते हैं, चार होते हैं, जिसके बारे में आपके जो निकोलस थे उन्होंने 1961 के अंतर्गत आप लोगों को बताया था। जो निकोलस ने 1961 में बताया, तो आपके जो फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट हो गए तो उनके बारे में किसने बताया, निकोलस ने बताया, और कितने बताए, वो चार प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मैं बात करूं उनकी तो कौन कौन से होते हैं, आपके सामने सोडियम होता है, अगर मैं बात करूं वेनेडियम होता है, अगर मैं बात करूं इसके अलावा जो सिलिकॉन होता है वो भी आपका इसी के अंतर्गत देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ ही बात करूं एक कोबाल्ट। तो जो चार जो फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट है वो कौन कौन से होते हैं, सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट। तो आई होप कि ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने होते हैं, तो वो चार होते हैं, या फिर कई बार ऐसे डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, तो चार ऑप्शन के अंदर तीन ऑप्शन आपके जो मैक्रो या फिर माइक्रो जो प्लांट न्यूट्रिएंट एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से दे देगा और एक प्लांट न्यूट्रिएंट इनमें से उठाकर दे देगा। तो ये भी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप कि आज की जानकारी काफी आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। इसके साथ साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक